चैप्टर नंबर सेकंड फॉर क्लास नाइन्थ इन सब्जेक्ट एसएसटी, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो सबसे पहले हम लोग को क्लियर ये करना है कि समाजवाद शब्द का मतलब होगा क्या। समाजवाद शब्द का मतलब होगा सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स आप गौर करें एग्जांपल पे कि अगर कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का प्रॉफिट किसको मिलता है, उसके मालिक को मिलता है। लेकिन अगर समाजवादी सिस्टम से चले तो उसे फैक्ट्री को कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप देखे हैं गांव में, सारे लोग उसका प्रॉफिट बांट लेते हैं आपस में। यहाँ पे समाजवाद का भी मतलब यही है। रशिया में जो समाजवाद आया था उस समाजवाद के अंतर्गत यही था कि कैपिटलिज्म को खत्म किया जाए, जो पूंजीवाद है उसको खत्म कर देना है। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ ये रिलेटेड वर्ड्स हैं या फिर हेडिंग्स है जिनको मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, रूढ़िवादी मीन्स कंजर्वेटिव, परिवर्तन का विरोधी। समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ रूढ़िवादी होते हैं, कुछ उदारवादी होते हैं, कुछ परिवर्तनवादी होते हैं। ये अलग अलग वैरायटी है, हमारे अगल बगल भी इस प्रकार के लोग हैं। तो रूढ़िवादी लोगों का से हमारा मतलब यह है कि परिवर्तन का विरोधी, दे डोंट वांट एनी चेंज इन देयर सोसाइटी, उनको अपने समाज में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहिए होता है और वो हमेशा नए बदलाव का विरोध करते हैं। उदारवादी वो लोग होते हैं जो नागरिकों की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका यह है कि सभी धर्म के लोग यहाँ रहें, सभी जात के लोग यहाँ रहें और उन सभी लोगों पर कानून हो, ये उदारवादी लोग हैं। लिबरल्स, परिवर्तनवादी रेडिकल, ये लोग बदलाव में विश्वास रखते हैं, जो समाज के बदलाव लाना चाहते थे। रेडिकल्स वो लोगों का एक समूह जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है और बहुत जल्द वो लोग परिवर्तन, आस्ते आस्ते नहीं, उनको उनके परिवर्तन की गति बहुत तेज होती है। अब देखिए, समाजवाद ये एक नया शब्द है। समाजवाद वो लोग जो उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार चाहते थे, मीन्स जो भी फैक्ट्री लगे या कल कारखाने लगे उनमें जो मजदूर काम कर रहे थे उनका ये कहना था कि फैक्ट्री का जो भी मुनाफा हो वो अब मजदूरों में बांट दिया जाए, उनके काम करने का समय कम हो, निर्धारित हो, उनकी तनख्वाह अच्छी रहे, तभी उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। अब देखिए, निरंकुश राजशाही शब्द है। तो निरंकुश राजशाही से आप क्या समझ रहे हैं? निरंकुश राजशाही से मतलब कि राजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, उसके मन में जो आएगा जैसे आएगा वैसे वो शासन करेगा, इस निरंकुश राजशाही से यही मतलब होता है। लेकिन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में भी राजशाही था और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में या रशिया में क्रांति जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग देखेंगे दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों में राजशाही चलता है लेकिन दोनों में अलग अलग विचारधारा है। फ्रांस में जब बदलाव आया तो वहाँ पे प्रजातांत्रिक शासन हुआ और जब यहाँ पे बदलाव आया है तो समाजवादी। अब देखिए, वोट के अधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया। यहाँ पे रशिया में वोट डालने का अधिकार पहले सबको नहीं था, जैसे आज आप लोग वोट डाल रहे हैं, एक वन मैन वन वोट एंड इक्वल वैल्यू, उस तरीके का नहीं था। पहले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, सभी लोगों को नहीं था, लेकिन बाद में सभी लोग अग्रसर हुए कि नहीं सबको वोट देने का अधिकार चाहिए और वो लोग आंदोलन किए उसके लिए और उनको बाद में वोटिंग राइट्स मिल भी जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब जैसे जैसे समाज बदल रहा था और लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी तो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोगों को रोजगार चाहिए होता है, तो जब ज़्यादा रोजगार चाहिए और कम क्षेत्रफल का उपयोग हो उसमें तो बस एक ही उपाय है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब आप फैक्ट्री लगाते हैं और फैक्ट्री लगने से क्या हुआ, फैक्ट्रियों की वजह से बहुत सारे शहर जो है कि नए नए शहरों का उदय हुआ और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी, औद्योगिक केंद्र बन गए वो लोग, और औद्योगिक केंद्र बनने की वजह से लोग वहाँ जाने और वहाँ पे रहना, वहीं पे फैक्ट्री में काम करना। तो जब एक बार वो लोग काम पकड़ लेते हैं फिर आस्ते आस्ते अपने बच्चे बीवी सबको बुला लेते हैं वहाँ, तो इस तरह वहाँ एक समाज का निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखिए, औद्योगिकीकरण की वजह से ही
बच्चे, औरतें और जो युवा थे उन सबको रोजगार मिल गया। सभी लोग काम के प्रति खींच के पैसे की लालच में शहरों की तरफ भाग गए। औद्योगिकीकरण के कारण यूरोप में समाजवाद का आना, समाजवाद एक विचारधारा और लोगों का उसकी तरफ झुकना। क्योंकि यूरोप में समाजवाद नहीं था, यूरोप में राजशाही चल रहा था, ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। अब यूरोप में जब समाजवाद आया, समाजवाद क्या है, तो एक विचार है, ठीक है, तो समाजवाद एक विचार है। और सबसे पहले इस विचारधारा को कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल और तमाम विचारक थे जिन लोगों ने इस समाजवाद जो शब्द है उसको लाया और उसके उस विचार को लोगों के दिलों में डाला। अब लोगों को ये लगने लगा जब यूरोप में जैसे जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे जो कैपिटलिज्म चल रहा था, किसी एक आदमी की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे हैं, वो उन हजारों लोगों की वजह से फ़ायदा किसको हो रहा है, सिर्फ फैक्ट्री मालिक को, जिसकी वजह से वो और अमीर होते जा रहे हैं और ये बहुत गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ये लोग विचारक थे और इनके विचार में अब एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए था जिसमें जो पूंजीवाद को खत्म किया जाए और जो भी मुनाफा हो वो मुनाफा उनके मजदूरों में बांटा जाए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, उनकी मजदूरी तय की जाए, उनके काम की सीमा वक्त को तय किया जाए कि वो कितने देर काम करेंगे। ये अब यूरोप में, आप इंग्लैंड में, जर्मनी में, इन सब जगहों पे इन सोशलिस्ट लोगों ने अपने विचार को लोगों के अंदर डाला, लोग उस तरह से सोचने लगे, तो बहुत सारे उन्होंने संस्था भी वहाँ पे बना लिए थे। लेकिन वो लोग संस्था बनाने के बावजूद भी वहाँ सरकार में नहीं आ पा रहे थे, क्यों, सरकार अभी भी किसके पास थी, समाजवादियों को छोड़ के रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव, इन तीन ग्रुप्स के लोग ही सरकार में रह पाते थे। इनके भी लोग जीतते थे, संसद में जाते थे, नियम कानून बनवाने में ये सहयोग करते थे सोशलिस्ट लोग, लेकिन ये सरकार नहीं बना पाते थे। समाजवाद के लिए समर्थन 1870 का यूरोप में विचार फैलाना, लेबर यूनियंस वर फॉर्मड इन जर्मनी, इंग्लैंड, बट अनेबल टू मेक गवर्नमेंट। ये मैंने बताया आपको कि कहीं भी ये लोग थे, जहाँ भी थे वहाँ पे इस विचारधारा को फैला रहे थे, लेकिन वहाँ पे सरकार बनाने में ये लोग कामयाब नहीं थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।